फाइनली दोस्तों ये है 2024 की नई वाली बजाज की पल्सर N150 का सिंगल सीट का ट्विन डिस्क वाला टॉप मॉडल और इसके फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड और इसकी डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, क्या आपको पुरानी वाली पल्सर 150 लेनी चाहिए या फिर आपको ये न्यू जनरेशन पल्सर 150 लेनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पर आपको फुली फ्लेक्सिबल हेलोजन मिल जाते हैं। इसमें भाई आपको मिलता है वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप, तो इसकी जो विजिबिलिटी है रात में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन पुरानी वाली पल्सर में सिर्फ आपको हेलोजन हेडलाइट ही देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके इंजन को मैं यहाँ पर ऑन करके आपको इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको iSafe के DRL वगैरह मिल जाते हैं, ये चीज़ आपको इसमें ढूंढे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ आपको हेलोजन वाले पायलट लैंप ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 33mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं जो कि थोड़े से पतले हैं अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पल्सर 150 के सिंगल सीट के मुकाबले। लेकिन इसके टॉप मॉडल में आपको 37mm के काफ़ी मोटे मोटे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसमें भी सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ भी 260mm की डिस्क मिलती है, इसमें भी 260mm की डिस्क मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ। यहाँ पर जो टायर अब आपको 80x100x17 सेक्शन का मिलता है, यहाँ पर जो टायर अब आपको 90x90x17 का मिल जाता है, मतलब इसका जो टायर है वो 10mm ज़्यादा चौड़ा है पुरानी वाली पल्सर के मुकाबले। अब पीछे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको 230mm की डिस्क मिलती है, जैसा कि टॉप एंड वाला मॉडल है। लेकिन पीछे में कोई भी ABS आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं ये ABS की प्लेट नहीं है, ये है भाई इसका RLP सेंसर। और जो RLP सेंसर है वो आपको पल्सर 150 के पुराने मॉडल में भी मिल जाता है। अब मैं टायर की बात कर रहा हूँ तो 120mm इसके पीछे वाले टायर की चौड़ाई आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंसर मिलता है। बाकी टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। सीट काउल के ऊपर में यहाँ पर N150 लिखा हुआ है। ये जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी इसमें ऑफर की गई, लेकिन वहाँ पर जो पुरानी वाली पल्सर है ना वो भाई एक लाइन में बोलूँ तो वो आज भी जो है वो लुक्स के मामले में इस नई वाली को भी फेल कर सकती है। यहाँ पर पल्सर का 3D में लोगो है। 14 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाता है। वहाँ पर तकरीबन 11.5 से 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। लेकिन उसके जो ग्राफिक्स हैं वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर E20 की बैजिंग मिल जाती है, USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी मिल जाएंगी। अब मीटर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिलता है, जिसमें ऊपर में RPM मीटर है, घड़ी है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर और बाकी यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन, ABS, टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर एक मोड की बटन दी गई है, जैसा कि आप इससे मीटर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, एंटर वार्निंग, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, DTE मिल जाता है, डिस्टेंस टू MT मतलब कि ये रेंज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो प्रैक्टिकल तौर पर मैंने इस बाइक को सिटी में चलाया है और ये बाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 52 km/h तक का माइलेज आपको बड़े ही प्यार से निकाल कर दे सकती है। बाकी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो ये आपको 44 से 45 का भी दे देगी। बाकी पुरानी वाली जो पल्सर है वो आपको तकरीबन 45 से 50 के बीच में ही माइलेज देती है, मतलब उससे इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर का ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि एक नया रिफाइनमेंट इंजन है। यहाँ पर पासिंग अपर डिपर एक ही बटन में है और जो क्लच का लीवर है ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, क्योंकि ये इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आप पुरानी वाली पल्सर का जो क्लच का लीवर दबाओगे ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा टाइट है इस नई वाली पल्सर के मुकाबले। अब साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साथ में टॉर्क ऑन डिमांड वाला इसमें फीचर्स भी दिया गया है। इस बाइक में आपको पहले DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता था जब ये बाइक कंपनी ने P150 के नाम से लॉन्च करी थी। जब ये बाइक उस टाइम पर लॉन्च हुई थी तो हेडलाइट जो है वो लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो कंपनी को दोबारा से डिसकंटिन्यू करके इसको N150 के नाम से दोबारा से मार्केट में लाना पड़ा। अब इंजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर किक और सेल्फ दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ये इसका आज की डेट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन वहीं पर पल्सर 150 का ये बेस वाला मॉडल है सिंगल सीट वाला, अगर आप ये भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको किक मिल जाती है, लेकिन इसके ट्विन डिस्क वाले टॉप मॉडल में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। अब इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 149 cc का
एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 FI OBD2 कंप्लाइंट वाला नया रिफाइनमेंट इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 14.5 PS की पावर देता है और 13.5 NM का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। इसमें आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, लेकिन इस वाली पल्सर में आपको पुरानी वाली में डबल हॉर्न मिल जाते हैं, जो कि पल्सर की भाई पहचान है डबल हॉर्न की। शुरू से ही यहाँ पर 165 mm की, वहाँ भी 165 mm की, दोनों में सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो इंजन गार्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर जो इंजन गार्ड है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा मिलता है, ज़्यादा बल्की है, जो कि पूरा का पूरा असेंबल है एक दूसरे के साथ में, तीन पार्ट में डिवाइड है। इसके जो फुट पैक्स हैं ये थोड़े से पीछे मिलते हैं, जो कि थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, लेकिन यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं ये, जैसा कि बेस वाला मॉडल है सिंगल सीट वाला, तो इसमें जो फुट पैक्स हैं वो थोड़े से आपको सेंटर में मिलते हैं, लेकिन इससे ट्विन डिस्क वाला टॉप मॉडल लोगे तो उसमें जो फुट पैक्स की कंडीशन है वो यहाँ पर रहती है, जिससे बाइक को चलाते समय आपको स्पोर्टी बाइक वाला इस तरह का फील आपको आ सके। दोस्तों पीछे में ग्लाइटर पैटर्न के साथ स्प्लिट LED वाली टेल लाइट आपको मिल जाती है, जो कि क्रिस्टलाइन पैटर्न में दी गई, जो कि देखने में उस पुरानी वाली पल्सर के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक लगती है। जब आप बाइक को रात में पीछे की साइड से देखोगे तो हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि इसके बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से काफ़ी मैच कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो पुरानी वाली पल्सर है ना, ये 149cc का, इसमें इंजन तो आपको मिलता है, ये भी 2-वाल्व एयर कूल्ड वाला इंजन है। ये इंजन आपको मात्र 14 PS की पावर देता है, जो आपको इसके इंजन से आधा BHP की कम मिलती है, और इसमें जो टॉर्क है वो आपको 13.25 NM का मिलता है। ये भी इंजन जो है वो बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है, जब ये बाइक 2002 में लगभग लॉन्च हुई थी, और इसको कंपनी ने बहुत बार जो है वो रिफाइन भी कर दिया है, बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन ये टोटल एक नया रिफाइनमेंट इंजन है, जो कि N160 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। पल्सर N150 ट्विन डिस्क की एक्सोरूम कीमत है 1,25,286 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,49,727 रुपये, और ये पल्सर 150 का सिंगल सीट वाला मॉडल है। इसकी एक्सोरूम कीमत है 1,37,456 रुपये, और इसका टॉप मॉडल ट्विन डिस्क में स्प्लिट सीट के साथ ऑन रोड आपको मिल जाता है 1,41,962 रुपये का। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, सेफ्टी आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, और हैंडलिंग वगैरह आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, हेडलाइट की रोशनी आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, और लुक आपको थोड़ा सा एडवांस चाहिए, तो आप जो है वो N150 को मेरे हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि ये बाइक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो बाइक है ना वो पुराने तकरीबन 20-22 सालों से मार्केट में चलती आ रही है, और ये टोटल एक फ्रेश नया मॉडल है, तो आपको मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए, ना कि उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भारी भरकम वाला लुक चाहिए, बाइक आपको थोड़ी सी ज़्यादा शो ऑफ के लिए लेनी है, भौकाल टाइट करना है, तो आप पुरानी वाली पल्सर का सिंगल सीट या फिर ट्विन डिस्क वाला टॉप मॉडल भी ले सकते हैं। ये बाइक आप खरीद सकते हैं रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम से। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।